स्टूडेंट्स कैसे हैं? आप लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इनशाला अजीज अच्छा स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ये चैप्टर नंबर थ्री कर रहे हैं एक्सरसाइज थ्री ए है पेज नंबर वन थर्टी वन है और काउंट डाउन थ्री है क्लास थ्री की इसमें स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर है सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन आपने क्या करना है करेक्ट जो फ्रैक्शन है उसको सर्कल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो इसके अंदर ये आपको एक वैल्यू दी हुई है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो टोटल सिक्स है और वन कलर किया हुआ है तो आप इसको सर्कल कर देंगे नेक्स्ट में अगर आप देखें तो इसमें वन टू थ्री फोर है और वन जो है आपका ये कलर्ड हुआ हुआ है और बाकी जो है वो खाली हैं तो आप वन बाय फोर कर देंगे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वन टू थ्री है तो आपके टोटल थ्री हैं और टू कलर्स हैं तो टू बाय थ्री वन टू थ्री तो यहां पे भी आप वन बाय थ्री कर देंगे सेकेंडली अगर आप देखें तो ये वन टू थ्री फोर फाइव है और थ्री कलर हैं तो थ्री बाय फाइव आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर फाइव देखें वो कहता है कलर द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप टू शो द फ्रैक्शन आपने सबसे पहले फ्रैक्शन को देखना है और जिन शेप्स को उसके अकॉर्डिंगली कलर्स करना है मैंने इनके अकॉर्डिंगली कलर्स किया हुआ है लेट्स यहाँ पे वो कहता है वन बाई टू तो आपका जो है वन एप्पल जो है वो कलर्ड होगा ये मैंने इसको ऑलरेडी कलर्ड कर दिया यहाँ पर है टू बाई सिक्स ये टोटल सिक्स हैं तो यहाँ पे मैंने टू जो है बॉल्स उनको कलर्ट कर दिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखें तो ये वन बाई फोर फ्रैक्शन है और वन जो है टोमेटो उसको कलर किया हुआ है इस तरह से आपने ये बुक पे डन करने हैं सेकेंडली अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है कंप्लीट द फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू एक शेप दी हुई है जिसके अंदर टू जो है वो आ, कट किए हुए हैं यानी बॉक्सेस हैं इसमें आपका एक कलर है तो ये वन बाई टू लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई बाई टू कह रहे हैं और मल्टीप्लाई बाई टू कह रहे हैं इस शेप्स के अकॉर्डिंगली ये फोर पार्ट्स हैं इसके और टू कलर्स हैं तो ये टू बाई फोर आया आपने नेक्स्ट शेप को देखना है हर में आपने नेक्स्ट शेप को देखना है ताकि आपको आइडेंटि आइडेंटिफाई हो जाए सेकेंडली ये देखिएगा यहाँ पे बी पार्ट के अंदर वन टू थ्री है और वन कलर है तो वन बाई थ्री आ गया अब ये कहते हैं ये थ्री से मल्टीप्लाई हो या थ्री से मल्टीप्लाई हो सेकेंडली आप इस शेप को देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो थ्री कलर्ड है तो ये थ्री बाय नाइन ना आ जाएगा और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं तो थ्री वन ज़र थ्री है थ्री थ्री ज़र नाइन है ऑटोमेटिकली वही आपका आंसर आ रहा है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्वेलेंट फ्रैक्शंस तो ये उसकी एक एग्जांपल भी हो सकती है लेट सी अब यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कलर हैं तो आपने सिक्स बाय नाइन कर देना इसको यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व और थ्री कलर्ड हैं तो आपने थ्री बाय ट्वेल्व कर देना इसको यहाँ पे भी सेम करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टू कलर्ड हैं तो टू बाय चैन आ जाएगा आपके पास यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वन शू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन के नाइन कलर्ड हैं तो आपका ऊपर जो है निनोमिनेटर नाइन देन डिनोमिनेटर भी नाइन आ जाएगा इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करना है और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई पॉइंट आज जो डिस्कस आप करना चाहते हैं